पिछले दिनों पुलिस और मेडिकल टीम पर हुए हमले के बाद जहां कई अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की कार्रवाई कर दी है। वहीं पुलिस की माने तो बाकी अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जल्द ही सारे अभियुक्तों पर एनएसए लगा दी जाएगी। बताते चले कि गिरफ्तार उपद्रवियों में करीब 5 लोग कोरोना से पॉजिटिव भी पाए गए थे। थाना क्षेत्रों में पूर्व में मेडिकल और पुलिस टीम के ऊपर पथराव हुआ था, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जेल भेजे गए। उनमें से एक व्यक्ति राशिद हुसैन जो नागसनी का ही रहने वाला है, उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। अन्य अभियुक्त जो जिनकी मेन भूमिका रही है उन पर भी एनएसए की कार्रवाई की जा रही है।